हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों, ये डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर कैट बैरून शर्मा सॉल्यूशन सीरीज चल रही है, और इस सीरीज में आपको एक नया डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगा, जिसमें जो सवाल होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक के सवाल उसमें वहाँ क्या होंगे इंक्लूड होंगे। और ये लेक्चर 7 है, ठीक है। जैसे जैसे DI आ रहा है, जैसे जैसे हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहा है, वैसे वैसे मैं लेक्चर उस तरह से लेते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, वो आपको DI का जो क्वेश्चन होगा, वो आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन जो बुक है, जो कि कैट के लिए एक बुक है और अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, तो इसी बुक का आपको यहाँ पे DI देखने को मिलने वाला है। और जो लेक्चर 7 है, और इसमें नया एक DI ले रहे हैं, जिसमें जो सवाल होंगे आपको क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 34 तक के क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप SSC CGL का प्रिपरेशन करो, या फिर CHSL के एग्जामिनेशन का, या फिर IBPS बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या फिर SBI बैंक पीओ क्लर्क हो गया, या कैट मैट या जैट या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, अगर इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन का अगर आप प्रिपरेशन करो ना, तो ये बुक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो मेरा जो WhatsApp का जो ग्रुप है, और जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे भी वीडियोस डाल देता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको PDF के लिंक मिल जाएंगे, ये दोनों जगह पे, ठीक है। और इन दोनों का लिंक जो है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहो तो आप मेरे साथ वहाँ जुड़ सकते हो, तो कोई भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लिंक या PDF का लिंक आपको आसानी से मिल जाया करेगा, ठीक है। तो चलिए, लेट नहीं करते, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों, जो हमारा DI है, वो आपके सामने है, और यहाँ पर जो लिख रखा गया डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 32-34, रीड द टेबल टेबल 2.7 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ऐसा ही होता है हमारा DI का क्वेश्चन, एक टेबल दे रखा होता है, उसी से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं ना, वो सारे ही सवाल आपको वहाँ पे जवाब देने पड़ते हैं, ठीक है। एक DI से आपको 3 क्वेश्चंस भी रिलेटेड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो टेबल दे रखा गया, वो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज, ठीक है। स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके प्रोफेशनल कोर्सेज के मुताबिक, ठीक है। अब हमें ये टेबल दे रखा गया है, ठीक है। अब इस टेबल से जो रिलेटेड हमारा सवाल है, वो पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 30 में ये बोला गया कि इफ 60% ऑफ द बॉयज एंड 70% ऑफ द गर्ल्स आर सक्सेसफुल इन द कोर्सेज टेकन बाय देम, देन व्हाट इज द कंबाइंड पास परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली। देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, 60% जो हमारे बच्चे हैं और 70% जो हमारे गर्ल्स हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं कोर्सेज में। जो भी उन्होंने कोर्सेज लिए हैं, उसमें जो है 60% हमारे लड़के सफल हुए हैं और 70% जो हमारे लड़कियां सफल हुई हैं। तो हमें कंबाइंड पास परसेंटेज बताना है, ठीक है, जो सक्सेसफुल हुए हैं, जो पास हुए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू यहाँ पे बताना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि कितने लड़कियाँ हैं और कितने लड़के हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले अगर लेने जाऊँ कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो गर्ल्स देखो ऐसे करके जोड़ सकते हैं, एक साइड से आप इंजीनियरिंग का देख लो और एक नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, फैकल्टी जो ऑफ इंजीनियरिंग है, एक नॉन इंजीनियरिंग, तो इसमें गर्ल्स कितने हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इन सबको जोड़ने पे, ये सारा जब हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे हमें क्या मिलता है, ये आ जाएगा आपको 85 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस साइड जब हम जोड़ते हैं नॉन इंजीनियरिंग के, तो ये हो जाएंगे आपको कितना, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल आ जाता है आपका 145 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा जा रहा है, आपको बॉयज़ बोला जा रहा, तो बॉयज़ को भी चलो हम लोग जोड़ देते हैं, तो बॉयज़ को जोड़ते हैं, तो इधर जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 451 आ रहा है, ठीक है। जब हम नॉन इंजीनियरिंग का जब हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं, तो जोड़ने पे आ जाता है आपको कितना, 160 आता है, और ये जब टोटल जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 611। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको अप्रॉक्सीमेटली पूछा जा रहा था, अप्रॉक्सीमेटली पूछा जा रहा, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, इसको ये 145 तो आपका क्या 5 से डिविजिबल है, तो इसको भी किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि ये भी आपका 5 से डिविजिबल हो जाए, बॉयज़ वाला भी, तो हमें जोड़ने घटाने में आसानी होगी हमें, ठीक है। तो इसका क्या हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, हमारा 610 के बराबर है, ज़्यादा का अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली ही बताना, ठीक है। अब जब हम यहाँ से ये आपका 145 हो गया गर्ल्स का, और बॉयज़ का हो गया कितना, 610 हो गया।
अगर इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं बॉयज़ और गर्ल्स का, तो ये आ जाएगा आपका 610 डिवाइडेड बाई 145, तो ये आ जाता है आपका कितना, 4:1 आ जाता है। क्लियर है? हम लोग जो यहाँ पे करने वाले क्या करने वाले, वेटेड एवरेज से निकालने वाले। ठीक है, ये आ गया आपका 4 हो गया और 1 का आ गया, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है कितना आपको, 4:1 है, वेटेड एवरेज से निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, एक तो बॉयज़ हैं और एक कौन है आपका, गर्ल्स है। ठीक है, अब बॉयज़ और यहाँ पे गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितना परसेंटेज पास हो रहे हैं आपको, 60% पास हो रहे हैं, और गर्ल्स कितना पास हो रहे हैं आपको, 70% पास हो रहे हैं। ठीक है, बॉयज़ का रेशियो कितना आपको, 4:1 है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो। ठीक है, अब हमें इसे वेटेड एवरेज से निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज से जब हम निकालेंगे तो इससे हमारा कंबाइंड क्या निकल जाएगा, पासिंग परसेंटेज निकल जाएगा। तो 60 × क्या होता है आपका, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 70 × क्या कर लेंगे, 1 कर लेंगे, और इन दोनों को जोड़ दो, 4+1 जो भी रेशियो था हमारा। ठीक है, या आ जाएगा आपका 240, और यहाँ पर हो जाएगा 70, और नीचे हो गया 5, सबको जोड़ देते हैं, और ये आ जाएगा आपका कितना, 310 आ जाएगा। ठीक है, 5 से डिवाइड मारेंगे, डिवाइड मारने पे आता कितना आपको, 62। तो हमारे पास कितना आ गया आपको, 62% जो है ना कंबाइंड, क्या आपको एवरेज क्या है, कंबाइंड पास परसेंटेज कितना, 62% अप्रॉक्सीमेटली बोला गया था हमें, इसलिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया, तो सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ गए इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस डीआई से रिलेटेड अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर क्या बोला जाए, इन विच कोर्स इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एमंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हायर देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन एनी अदर कोर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला, इन विच कोर्स इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, जो हमारा जो गर्ल्स का परसेंटेज है, ठीक है, एमंग द टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स, उसमें जो हमारा परसेंटेज ऑफ गर्ल्स है, कौन सा कोर्स में हायर देन द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन एनी अदर कोर्स। ठीक है, एनी अदर कोर्सेज से वो कितना हाई है, कौन सा ऐसा कोर्स है जो एनी अदर कोर्सेज से हमारा क्या आपको हाई है, वो चीज़ यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, जिससे ऑप्शन दे रखा गया है उससे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या आपको, बिजनेस स्टडीज़ है, तो बिजनेस स्टडीज़ का देखते हैं। तो बिजनेस स्टडीज़ में क्या आपको, बिजनेस मैनेजमेंट पहला वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन में देख रहे हैं, एक एक करके ऑप्शन से ही चेक कर ले रहे हैं। तो गर्ल्स का जो है, गर्ल्स का कितना यहाँ पे आपको 50 देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बॉयज़ है, बॉयज़ का देखने को कितना मिल रहा है, बॉयज़ का देखने को मिल रहा है ये आपका हो जाएगा 110। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा आपका, 2.2 का रेशियो है। ठीक है, अब बी वाला देख लेते हैं। ठीक है, अब बी वाला जब कंप्यूटर्स देखते हैं, कंप्यूटर्स में क्या देखते हैं, ये कितना आपको, ये आपको 43 है, गर्ल्स कितने आपको 43 है। ठीक है, और बॉयज़ कितने यहाँ पे, बॉयज़ अगर देखा जाए तो बॉयज़ यहाँ पर आ जाएंगे आपको कितना, 8 हो गया और 11 218 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम बॉयज़ और गर्ल्स का जब रेशियो निकालने आते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट लेना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 43। ठीक, तो ये देखिएगा, तो ये आ जाएगा करीबन आपका, अगर हर हर बॉयज़ पे कितने लड़कियां हैं, तो अगर वो निकालते हैं हम लोग यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 5:1 का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा था, 2.2 का आ रहा था। ठीक है, 2.2 डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ पर फिनेंस में देखते हैं, तो फिनेंस में अगर देखते हैं तो फिनेंस में गर्ल्स कितने हैं आपको, फिनेंस में आपको गर्ल्स हैं आपको 37 है, और बॉयज़ यहाँ पे कितने आपको, बॉयज़ अगर देखते हैं तो ये जगह 8 178 है। यहाँ पे अगर बॉयज़ और गर्ल्स का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 178 डिवाइडेड बाई में 37। ठीक है, तो ये आ जाएगा करीबन, ये आ जाएगा आपका 4:1 का रेशियो आ रहा। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं, 4:1 का रेशियो आ रहा। ठीक है, और डी अगर हम अदर्स देखते हैं, तो अदर्स में देखते हैं कितना ये आ जाता है, गर्ल्स कितना आपको, गर्ल्स है यहाँ पर 15 और बॉयज़ है यहाँ पे आपको कितना, 105 है। ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स का अगर यहाँ से रेशियो निकालोगे तो बॉयज़ और गर्ल्स का आ जाएगा आपको 105 और डिवाइडेड बाई में कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये करीबन आ रहा है आपका 7:1 का रेशियो। ठीक है, 7:1 का रेशियो आ रहा। तो एक चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, या आप समझ देख पा रहे होगे, कि जिसमें हमारा रेशियो कम होगा ना, वहाँ पे गर्ल्स का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा आपका, हायर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, गर्ल्स अगर मैं निकालने चाहूँ यहाँ पे, तो हमें अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ गर्ल्स का परसेंटेज निकालता, गर्ल्स का कितना 1 है और डिवाइडेड बाई में कितना 2, 1.22, इसको 100 से डिवाइड कर, तो यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा आपको, ज़्यादा होगा,
ठीक है, अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 20% आएगा, 37, अगर यहाँ मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 25 आएगा, और यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड करूँ तो वहाँ पे भी हमका क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, आपको ए ऑप्शन में आ रहा है, तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, यहाँ से सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग कंप्यूटर्स मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर्स कर रहे हैं, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बिजनेस मैनेजमेंट कर रहे हैं, उससे कितना हमारा क्या है, कंप्यूटर्स वाले ज़्यादा है। तो सबसे सिंपल सा है ये कि यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कंप्यूटर्स कितने लोग कर रहे हैं। तो कंप्यूटर्स अगर देखा जाए तो कंप्यूटर्स कर रहे हैं आपको, ये हो जाएगा आपका 23, 186, और प्लस में हो जाएगा आपका 20, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए सबको जोड़ देते हैं, इसको सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 261। ठीक है, और बिजनेस मैनेजमेंट अगर हम देखते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट टोटल कितना आ जा रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट हो जाएगा आपको 25 है, 45 है, और यहाँ पे कितना आपको 25 है, और ये आपको 65 है। इन सबको जब हम जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ने पे आ जाएगा आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको कंप्यूटर्स में कितना ज़्यादा आपको बिजनेस मैनेजमेंट से, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो परसेंटेज चलिए निकालते हैं, तो परसेंटेज हो जाएगा आपका कंप्यूटर्स कितना आपका, 261 है, माइनस 160, और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपका 160, और इनटू क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आ जाएगा आपका ये 32 नंबर, ये डिवाइड करने के बाद आता है आपका 63.1%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए सवाल को? ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल इंजीनियर्स डूइंग बिजनेस मैनेजमेंट आर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं गर्ल्स, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट में, वो बाकियों से कितना प्रतिशत में है, जो इंजीनियरिंग में कर रहे हैं उनसे कितना प्रतिशत में है, वो यहाँ पे निकालना है। तो देखिए बिजनेस मैनेजमेंट में आपके जो गर्ल्स हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, वो कितना आपको 25 है, और नीचे सबको इधर जोड़ लेते हैं, नीचे हमको टोटल देखना पड़ेगा, तो टोटल इसको करते तो ये आएगा आपका कितना, 85, और इनटू में क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका गर्ल्स का निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 5 हो गया, और ये आ जाएगा आपका 5 17, ये जाएगा 500/70। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 30% करीब आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। तो इसका कौन सा जवाब होना चाहिए आपका, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है, समझ गए इस सवाल को? चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये कि टेकिंग ऑल द कोर्सेज टुगेदर बाय व्हाट परसेंटेज डू द नंबर ऑफ बॉयज एक्सीड द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, हमें क्या लेना है, यहाँ पे सारे कोर्सेज लेने हैं, तो बाय व्हाट परसेंट डू द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज जो है हमारे गर्ल से कितना ज़्यादा, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताना है। तो हमने ये जो है आपका पहला हमने ये टोटल ये निकाल रखा था कि गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाले सवाल में बताया था, निकाला था, तो बॉयज़ कितने हैं टोटल, तो बॉयज़ आपको टोटल है 611, और गर्ल्स कितने हैं टोटल हमें जोड़ देना है सारा, और गर्ल्स कितने हमारे, गर्ल्स है हमारे पास 145। ठीक है, अब एक काम करते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज जब निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए हमारा कितना, बॉयज़ कितने ज़्यादा हैं, तो परसेंटेज हो जाएगा आपका 611 माइनस 145 डिवाइडेड बाई 145, और इनटू क्या कर लेंगे हम लोग, 100 कर लेंगे। ठीक है, अब इन सबको जब डिवाइड करते तो ये आ जाएगा आपका कितना, 321.4%, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में जितने सवाल लिए हैं, टीआई का जितना भी सवाल लिया, सारे ही सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।